ऋषिवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि मैं आपको गुरु नहीं बना सकता। ओ घड़नाथ, इसके कानों में मेरे कुंडल पहना दो। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। नाथ, आंखें खोलो, आंखें खोलो बालकनाथ। हे भोलेनाथ, बालकनाथ का आपके चरणों में प्रणाम। मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे भोलेनाथ, मुझे आपके नाम के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप वरदान दीजिए कि मेरी जीवा पर सदा आप ही का नाम हो। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे मंदिर बनेंगे, वहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लोगों के कष्ट मिटेंगे। हे बालक, तुम बाबा बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। यह वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। मैं धन्य हो गया प्रभु। कीर्तिमान भव। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। लो बाबा। नहीं माता, मुझे भिक्षा नहीं, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं पुत्र, मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बे औलाद हूँ, घर में अकेली हूँ, कोई काम भी नहीं है, गाय पालकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, भला तुम्हें काम पर कैसे रख सकती हूँ। माता, तुमने मुझे
पुत्र कहा है और सेवा का अवसर भी नहीं देती। माता, मैं तुम्हारी गाय चराऊंगा, मुझे धन की जरूरत नहीं है। माता, मैं तो एक तपस्वी पुत्र बनकर आपकी सेवा करूंगा। लगता है भगवान ने मुझ बे औलाद को एक पुत्र भेजा है। माता, मैं तो एक साधु हूँ, होनी अनहोनी के भय से मुक्त हूँ। माता, मुझे गाय चराने की आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी इच्छा, परंतु किसी भी किसान का उल्हाना नहीं आना चाहिए। मेरी भी एक शर्त है माता। क्या शर्त है बेटा? माता, आप मुझे किसी भी बात का ताना नहीं देंगी। अगर ताना दिया तो मैं आपकी गैया नहीं चराऊंगा। आप रुको, मैं अभी आई। ये लो बेटा कंबल, ये लाठी आपके काम आएगी। ठीक है माता जी। अच्छा बेटा जाओ। हे गौ माताओं, आप अपने यहाँ पेट पूजा कर लो, मैं यहीं बैठकर तपस्या कर लेता हूँ। ॐ नमः शिवाय, 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 बेटा मैं आपके लिए छाछ और रोटी लाई हूँ। माता, आप छाछ इसमें डाल दीजिए और रोटियां यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है बेटा। लो बेटा रोटी। हे माता, आप छाछ इसमें डाल जाया करो और रोटियां यहाँ रख जाया करो, आपके बोलने से मेरी तपस्या भंग होती है। ठीक है बेटा, गाय तो ठीक चल रही है ना बेटा? हाँ माता, वो प्रेम से अपना भोजन कर रही है। शाम को घर शीघ्र आ जाना पुत्र। ठीक है माता। अच्छा बेटा, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है माता। Yeah!
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रत्ना, कहाँ है तू? बाहर आ। रत्ना, कहाँ है तू? बाहर आ। आज सुबह सुबह मुखिया जी, क्या हुआ मुखिया जी? सब कुशल मंगल तो है। रत्ना, तेरी गऊ ने इनके खेतों में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तेरा बालक, वो बालक जो बड़ा भक्त बड़ा फिरता है, अब पता चलेगा जब गांव की पंचायत में आएगा, तेरे को पता लग जाएगा। फसलों का नुकसान तुम्हें भरना होगा। नहीं मुखिया जी, वो बालक समझदार है, ऐसा नहीं कर सकता। रत्ना, बाबा कभी गाय नहीं चराते, अब हरजाना भरना पड़ेगा, ये घर दिख जाएगा तेरा घर। मेरे साथ चलो, मैं पूछती हूँ उस बालक से सच्चाई क्या है। चलो चलो। ये क्या बेटा, इतने लोग आपके साथ? माता, ये क्या बालक, आज तेरे कारण इनकी जली कटी मुझे बातें सुननी पड़ी। मैंने तुझे 12 बरस तक रोटियां खिलाई। ना 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 ना।
मेरी भी एक शर्त है माता। क्या शर्त है बेटा? माता आप मुझे किसी भी बात का ताना नहीं देंगी, अगर ताना दिया तो मैं आपकी गैया नहीं चराऊंगा। इसका तूने मुझे ये फल दिया? परंतु माता हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ, तुम यहाँ भक्ति कर रहे हो और इन किसानों की फसलें गाय खा गई। जिसका पैसा मुझे घर बेच के देना होगा इनको। इनकी फसलें तो गौ ने खाई नहीं माता, आप तो वैसे ही क्रोधित हो रहे हो। हम तीन लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? इसका दंड तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। अगर फसल नष्ट नहीं हुई है तो भी आप हमें दंड देंगे? ये क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो बालक? मुखिया जी, अगर आपकी फसलें नष्ट हुई हैं, तो उसका धन मैं दूंगा। पहले आप जाकर देख के आइए। ये बात सही है, पहले हम अपनी फसल को देख के आते कितना नुकसान हुआ है। अगर ये बालक भाग गया तो? एक आदमी मेरे पास बैठ जाओ, मैं भागूंगा नहीं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप निकल जाइए। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी फसलें गाय खा गई, फसलें तो वैसे की वैसी पड़ी हैं। मुखिया जी, मैं तो सच कह रहा था, फसल तो गाय खा गई थी। ये तो कोई चमत्कार हो गया। बाबा जी हमें माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो, हमें माफ कर दो, बाबा जी गलती हो गई हमसे। हमें क्षमा करो बाबा। क्यों, क्या हो गया? रत्ना जी, ये तो चमत्कार हो गया, फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी फसल ज्यों की त्यों है। हमें क्षमा करो बाबा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माता, तुमने मुझे रोटियों का ताना दिया था ना, ये रही तुम्हारी छाछ। चलिए मेरे साथ। माता, ये रही आपकी रोटियां। ये क्या? मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैं तुम्हें साधारण बालक मानती रही और तुम्हारी माता बन बैठी, और मैं लोगों की बातों में आकर ना जाने क्या क्या बोल गई पुत्र तुझे। तुम तो बाबा बालक नाथ हो, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो। आप चिंता ना करो माता, मैं आपका बालक बन के रहूंगा, परंतु मैं आपकी और सेवा नहीं कर सकता। तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही था माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम्हें तो भक्ति करनी है, भक्ति तो यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे बिना ना मैं रह सकूंगी और ना मेरी गौएं। ठीक है माता, मैं यहीं रहूंगा, परंतु आप मुझे छाछ और रोटी नहीं ला के देंगी। मैं सुबह आपकी गौएं लेके आऊंगा और शाम को उन्हें घर छोड़ आऊंगा। ठीक है पुत्र, हम मैं जाती हूँ। ठीक है माता।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाओ बेटा ओघड़नाथ, गांव से भिक्षा लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। कहां से आए हो बाबा? हम गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, भिक्षा लेने आए हैं। हमारे बाबा बालकनाथ आपके गुरु की तरह किसी भी शिष्य को भिक्षा मांगने नहीं भेजते। वह तो स्वयं ही भिक्षा मांगते होंगे। वो भोजन करते ही नहीं तो भिक्षा क्यों मांगेंगे? उनका तेज तुमने देखा ही नहीं, सूर्य की तरह चमकते हैं वो। तेज धूप में तुमने कभी तपस्या की है क्या? हाँ, हमने की है। ऐसी नहीं होती। हमारे बाबा बालकनाथ जब तेज धूप में तपस्या करते हैं तो उनके सर पर शेषनाग जी खुद छाया करते हैं। चलो फिर तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं। तुम तो क्रोधित हो रहे हो बाबा। इसमें क्रोध की क्या बात है, हम इस गाँव से भिक्षा ही नहीं लेंगे, जाते हैं अपने गुरु के पास। आदेश गुरु जी। क्या हुआ बेटा ओघड़नाथ, तुम भिक्षा लेकर आ गए? गुरुदेव, इस नगरी में तो आपका कोई आदर ही नहीं करते हैं। सब बाबा बालक का आदर करते हैं। हे गुरुदेव, वे कह रहे थे। क्या कहते हैं यहाँ के लोग? इस तेज धूप में बाबा बालकनाथ तपस्या करते हैं, खुद नाग देवता अपने फन से उनकी रक्षा करते हैं। अवश्य ही वह मायावी है, हमें उसकी माया दूर करनी होगी। हे गुरुदेव, नगर वाले कहते हैं हमारी तरह वे भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांगते। बस बहुत बखान कर दिया उसका। मैं देखता हूं उस मायावी को। आओ मेरे साथ, कहां है वो? धुमता ना 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 ना, 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 धुमता ना 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 ना। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। तेरी बड़ी महिमा सुनकर हम आए हैं बच्चा। अब हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, इसलिए आप हमारे लिए भोजन का प्रबंध करें। ऋषिवर, मैं तो भोजन स्वयं ही नहीं करता हूँ, ना ही मैं भिक्षा मांगने नगरी में जाता हूँ। मैं तो मात्र दूध का सेवन करता हूँ। नगर में महिमा तो तुम्हारी बहुत है, और एक घर आए अतिथियों को भोजन नहीं करा सकते?
मैंने मेरे भोजन की बात आपको बताई है। आपको भूखे निकल जाने के लिए मैंने तो नहीं कहा। चलो मैं आपको दूध पिला देता हूँ, फिर भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। इतना दूध कहाँ से लाओगे? आपको भरपेट दूध मिलेगा ऋषिवर। ठीक है, लाओ हम यही बैठते हैं। ओम नमः शिवाय। दूध पान करो। जाओ बेटा ओघरनाथ, दूध लेकर आओ। जो आदेश गुरुजी। गुरुजी दूध ग्रहण करो। बेटा ओघरनाथ, सब शिष्यों को पिला दो। गुरुदेव, दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा, लगता है वो तो आग से भी बड़ा योगी है। ऋषिवर, अगर आपने दूध पान कर लिया हो तो क्या मैं भी दूध पी लूं? क्यों नहीं, जाओ बेटा ओघरनाथ, दूध देकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। Thank you.
ठीक है बालक, अब हमें भोजन की इच्छा नहीं है, हम चलते हैं। क्या आप हमें कोई और चमत्कार दिखा सकते हैं? यह दूध चमत्कारी था ना गुरुदेव? मैं तपस्वी हूँ ऋषिवर, मेरा कर्म तपस्या करना है, मैं कोई इंद्रजाल नहीं दिखाता। ठीक है, हम चलते हैं। मिलने वाली इसके हिस्से क्यों खैरात
का पुजारी, नजर जहां तक मेरी गई। किरण सूरज की फैले जैसे, इसकी महिमा फैल रही है, तो कोई शिव का पुजारी, नजर जहां तक मेरी गई, नजर जहां तक मेरी गई। कौन वजह है जिसके कारण, कौन वजह है जिसके कारण, जनता इसके साथ बने। मन में आई ले परीक्षा, चेला बालक नाथ बने, चेला बालक नाथ बने। आयुष्मान भव बालक, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हें यंत्र मंत्र और तंत्र जादू टोने सब सिखाकर महान बना दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे तपस्वी बालक को मेरे जैसे महान गुरु की बहुत जरूरत है। यदि तुम मेरे शिष्य बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, ये गोरखनाथ का वचन है। यह मेरा सौभाग्य है ऋषिवर कि आपने मुझे शिष्य बनने का अवसर दिया। आप जानते हैं ऋषिवर कि गुरु एक ही होता है। मुझे क्षमा करना ऋषिवर, मैं गुरु दत्तात्रेय का शिष्य बन चुका हूँ। बालक अभी तुम बच्चे हो, तुम अभी भले बुरे को नहीं जानते। मेरा शिष्य बनकर तुम्हारा भला हो सकता है। ऋषिवर मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि मैं आपको गुरु नहीं बना सकता। ऋषिवर जो शिष्य एक ही गुरु की शरण में रहता है वह भव सागर से पार हो जाता है, और जो दर दर भटकता फिरता है वो भटकते ही रह जाते हैं। देख बालक, अच्छे बालक की तरह मेरा शिष्य बन जा।
इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो मुझे अपना शिष्य तुम्हें जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। मेरे कुंडल अगर तेरे कान में पड़ गए फिर तुझे हार स्वीकार करनी पड़ेगी। देख चुपचाप मेरा शिष्य बन जा, इससे मेरी भी लाज रह जाएगी। ऋषिवर, इतना अहंकार मुनियों को शोभा नहीं देता है। अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना ही चाहते हो, आप मुझे दिव्य शक्ति में हरा दे, मैं आपको गुरु ही बना लूंगा। अच्छा तो ये देख, मैं अपनी वृक्षशाला हवा में फेंक रहा हूँ, इसको तू नीचे उतार कर दिखा। देखा ऋषिवर, मैंने आपके मृगशाला को फूलों में बदल दिया। हे गुरुदेव, आप बालक का तप कैसे सहन कर सकते हैं? तप तो सहन करना आता है ओगरनाथ, बस एक बार ये मेरा शिष्य बन जाए। ऋषिवर, आप तो उम्र में भी मेरे से बड़े हैं तथा ज्ञानी हैं, तो आप यह भी जानते होंगे कि शिष्य बलपूर्वक नहीं बनाया जा सकता। शिष्य की इच्छा शक्ति ही गुरु बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो मेरी इच्छा शक्ति तुम्हें शिष्य बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, बात तो वही हो गई ना? दोनों में अंतर है ऋषिवर। ये अंतर मैं अभी दूर कर देता हूँ। ओघड़नाथ, इसके कानों में मेरे कुंडल पहना दो। इसकी इच्छा शक्ति मुझ में अपने आप हो जाएगी। आदेश गुरुजी। गुरुदेव, यहां तो खून की जगह दूध निकल रहा है। दूध निकले चाहे पानी, तुम कुंडल पहना दो। गुरुदेव, वह तो गायब ही हो गए। चलो फिर चलते हैं। Oh, my God.
यह स्थान पूजा के लिए उचित है। ये स्थान तो मेरे लिए उचित है। तुम कहां से आ गई बालक? बहुत दिन हो गए मानव का स्वाद चखे। आज मौका मिला है। कौन हो तुम? मैं काल हूँ तेरा, अब मैं तुझको खा जाऊंगा। तू चला जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। अब मैं तुझे खाकर पेट की आग बुझाऊंगा। ले फिर, अब तैयार हो जा। क्षमा करो योगीराज, मेरी गलती क्षमा करो योगीराज, क्षमा करो योगीराज। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु कुछ समय बाद मेरे यहाँ मंदिर बनेगा। यहाँ दूर दूर से मेरे लिए लोग आएंगे, मेरे लिए रोड व तुम्हारे लिए बकरा लाएंगे, परंतु उस बकरे की महक से ही तुम्हें काम चलाना होगा, समझे? समझ गया योगीराज, तुम महान हो योगीराज, आप महान हो जो आपने मुझे शरण में लिया। आप महान हो, आपकी जय हो।